हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विभाग ने जारी कर दिया है आदेश, नामों की पुनरावृत्ति पर लगेगी रोक। लगातार दोस्तों ये मुहिम जारी थी, आप सभी भी इस बात से सहमत थे कि नामों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, नए लोगों को जो है अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, और क्या नियम था वो मैं पहले ही ला चुका हूँ, आप इस मुहिम से अनभिज्ञ नहीं है। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने सहयोग किया है। हमारी जमीनी स्तर टीम और श्री रंजीत गौर जी लगातार संघर्षरत रहे दोस्तों, तब ये नियम क्लियर हो पाया है और फाइनली वो आदेश आ गया। आदेश कहाँ से डाउनलोड करें और आदेश में क्या लिखा है वो मैं सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एमपी ऑनलाइन पर आदेश जारी कर दिए गए। यहाँ पर आप सबसे नीचे देखेंगे, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अतिरिक्त सूची के संबंध में सूचना, एक्स्ट्रा सूची जारी की जाएगी। क्यों की जाएगी वो इस आदेश में स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आदेश देख रहे हैं आप, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से जारी किया गया 14/11/2022 का ये आदेश है। चूंकि आज दोस्तों प्रदर्शन किया गया भोपाल में और ये मांग प्रमुखता से रखी गई, उसका ही ये नतीजा है। यहाँ पर आप देखेंगे, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर जनजाति कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है। इस भर्ती में प्रक्रिया में संयुक्त काउंसलिंग न होने से दोनों विभागों की सूचियों में नामों का दोहराव हुआ था। चूंकि दोस्तों पहली जो काउंसलिंग हुई थी वो संयुक्त नहीं हुई थी, इसलिए नाम रिपीट हुए थे, ये इसमें माना गया है। अतः दोहराव से अद्भुत होने वाले प्रभागवार संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु प्रभागवार उपलब्ध अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त सूची जारी की जा रही है। यानी अतिरिक्त सूची जारी की जा रही है दोस्तों, क्योंकि अभी तक नाम दोहराव हो रहे थे इसलिए नए नाम शामिल नहीं हो पा रहे थे। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रभागवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो सही पाए गए उन्हें लेकर और जितने भी आपकी अभी पद हैं उन्हें लेकर एक सूची जारी की जाएगी, जिसे हम नियुक्ति आदेश उसी हिसाब से जारी होंगे। आगे देखें दोस्तों, नामों का दोहराव होने से अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने अथवा विभाग परिवर्तन की स्थिति में अद्भुत रिक्तियों के लिए शेष बचे अभ्यर्थियों से मेरिट क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। ये दोस्तों पॉइंट बहुत जरूरी है आपको समझना। यहाँ से हम देख लेते हैं, नामों का दोहराव यानी कि नामों की पुनरावृत्ति से अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने से, यदि कोई पदभार ग्रहण नहीं करता है अथवा विभाग परिवर्तन की स्थिति में अद्भुत रिक्तियों के लिए शेष बचे अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम में, यदि कोई विभाग परिवर्तन करता है दोस्तों और वो पद रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि मांग यही थी कि पद रिक्त रहेंगे, जो कि अभी वर्तमान स्थिति थी, रिक्त रह जाने से पदों की पूर्ति की जाएगी। तो जो भी रिक्त रह जाते हैं इन तीन कारणों से, उनकी जो है जो भी आपकी वेटिंग लिस्ट रहेगी इसमें, उससे वो पद की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मैं फिर से क्लियर कर दूं कि नाम के दोहराव होने से अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने से अथवा विभाग परिवर्तन की स्थिति में, विभाग परिवर्तन मीन्स जनजाति विभाग से डीपीआई में, जो रिक्तियों के लिए शेष बचे अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। तो जो भी शेष बचेंगे, चाहे वो जनजाति विभाग की हो, डीपीआई की विभाग की हो, इसी सूची से वो पूरी कर दी जाएगी, यानी कि कोई भी पद अब खाली नहीं बचेगा। दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी की नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, तो ये नियम पहले से ही क्लियर था। क्यों दावा नहीं कर सकता? क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाने चाहिए, तभी आप वहाँ पर दावा कर सकते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत या अनकम्प्लीट हैं तो फिर आपको जो है जॉब नहीं मिलेगी। तो ये लाइन तो पहले से ही थी, हालांकि अब सभी का जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है कि कुछ भी हो जाए आपके पद खाली नहीं रहेंगे। आखिरकार दोस्तों सभी की जीत हुई है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जो विभाग चेंज करना चाहते हैं और वहाँ पर वो पोस्ट खाली रह जाती हैं, तो वहाँ भी जो है वो पोस्ट खाली नहीं रहेंगी, उस सूची से भर दी जाएंगी। एक बहुत अच्छा कदम है। साथ में दोस्तों, नामों की पुनरावृत्ति होती है या फिर कोई ग्रहण नहीं करता है, पदभार ग्रहण नहीं करता है, तो उनकी भी जो है वहाँ से नाम हटाकर जो उस सूची में सम्मिलित है, यानी कि अब एक एक्स्ट्रा सूची जो है जारी की जाएगी, उसमें से ही वो नाम फिल हो जाएंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर अब कोई भी पोस्ट खाली नहीं बचेगी और ये हम सब की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये आधी जीत है, पूरी जीत तभी जब उपेक्षित विषयों को सम्मान मिले
और वर्ग एक और वर्ग दो में पद वृद्धि जल्द से जल्द हो दोस्तों, ये भी मांग जारी रहेगी। और हमारे श्री रंजीत गौर जी जमीनी स्तर की टीम को दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद दोस्तों आपको जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप जब सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो रिजल्ट सामने दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों।